गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास 12th मैथ का सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित, जिसमें एक्सरसाइज रहेगी 10.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं, कुछ फॉर्मूला बता दें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, राशियाँ दो टाइप की होती हैं, नंबर एक सदिश राशियाँ, नंबर दो अंश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या है? देखिए, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, संवेग आदि। उसके बाद आप करता हूँ अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में 10.1 में एक फार्मूला यूज होगा, इसे यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब इससे रिपीट इस पर आधारित दो एक सवाल आए हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक ओनली 1 यूनिट होता है, याद रखना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा सदिश होता है जिसका मापांक 1 यूनिट होता है। कैसे? हमने मान लिया, माना कि कोई सदिश वेक्टर ए है, हमने यहां लिखा जिसके अनुदिश एकांक वेक्टर। कैसे लिखेंगे? जिसके एकांक वेक्टर या एकांक सदिश वेक्टर ए का है, लिखेंगे वेक्टर ए का है। एकांक वेक्टर को या एकांक सदिश को कैप के द्वारा शो किया जाता है, कैप लगा करके। तो वेक्टर ए कैप इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, याद रखना, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जहां मॉड वेक्टर ए यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। हम आपको बता चुके हैं मापांक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारा पहला सवाल है। तो पहला कुछ स्क्रीन पे शो होने लगा, कहता है कि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैट प्लस जे कैट प्लस 2k कैट के अनुदिश एकांक सदिश बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सदिश वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे। तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, अंडर रूट लगाया जाता है। और जो आई कैप जे कैप प्लस 2k जो लिखे हैं, इनके गुणांक का स्क्वायर करके यहाँ पर ऐड किया जाता है अंडर रूट के अंदर। तो आई कैप का इस गुणांक क्या है, 1 का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक क्या है, 1 का स्क्वायर। के कैप का गुणांक क्या है, 2 का स्क्वायर। यानी जिस किसी का कोई गुणांक न दिया हो, हमेशा उसका गुणांक 1 माना जाता है, हमेशा याद रखना। अब 1 का स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जो हमने इससे ऐड किया तो ये बना अंडर रूट 6। अब हमें क्या करना है, इसके अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश लिखना है। क्या लिखना है? एकांक सदिश। कैसे लिखेंगे, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, याद रखना, एकांक सदिश को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप लगा करके। हमने क्या बताया, वेक्टर ए, इसे पढ़ा जाएगा वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, इसे मॉड पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, आई कैप, वेक्टर ए की वैल्यू क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपान में इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, कहता है सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश बताओ जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सदिश वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और इसके भीतर i कैप, j कैप और ak कैप हैं, इनके गुणांकों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है हमें इसके अंडर रूट के अंदर। बस इसी स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं करना, याद रखना। तो आई कैप का गुणांक क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। जे कैप, जे का गुणांक क्या है, जे कैप का 1 का स्क्वायर बन जाएगा। के कैप का गुणांक 3, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बनेगा 4 + 1 + 9, कितना हुआ, 10 से 14। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू आई इतनी। अब हम कहता है एक ऐसा सदिश बताओ जिसका परिमाण 5 का है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश। इसे रिप्रेजेंट करेंगे मात्र के यूनिट सदिश या एकांक सदिश, एक ही बात होता है।
एक एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका परिमाण 5 का है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिख दिया जाएगा एक एम अपॉन मॉड वेक्टर ए। अब एक एम की वैल्यू रखेंगे, सॉरी वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 14, उन्हें गुणा करेंगे 5 गुणे 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 से 15 के कैप और अंडर रूट 14। अब हम इसे सबके बटे में 14 तो हम वाला कभी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं 10 बटे अंडर रूट 14 आई कैप 5 बटे अंडर रूट 14 जे कैप और 15 बटे अंडर रूट 14 के कैप, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा और कहता है कि सदिश वालिस को श्रेणी में लिखो। तो आपको बता चुके हैं कि सदिश मेरा श्रेणी होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता, मतलब दिशा भी हो। तो अगर हम सदिश इनमें देखें तो सदिश कौन कौन है, 10 मीटर उत्तर पश्चिम, 10 मीटर क्या होगा परिमाण, उत्तर पश्चिम क्या होगा डायरेक्शन, यानी जो 10 मीटर उत्तर पश्चिम है ये क्या होगा हमारा सदिश राशि होगी। उसके बाद अदिश की बात करें तो ये सब जो बची हैं 10 केजी, इसमें कोई दिशा है डायरेक्शन नहीं है, अदिश है डायरेक्शन है नहीं है, अदिश है डायरेक्शन है नहीं है, अदिश है। तो अदिश के अंतर्गत कौन आता है, 100 केजी आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और 100 घंटे ये भी अदिश के अंतर्गत आएगा और बाकी पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सदिश है। तो इस टाइप से इसके आंसर लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा और कहता है कि एक वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर c बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो क्या मॉड वेक्टर a इक्वल टू मॉड वेक्टर b इक्वल टू मॉड वेक्टर c, यानी ये तीनों मॉड वेक्टर आपस में बराबर होंगे, कहता है क्या बराबर होंगे। फिर कहता है कि इनके मापांक भी बताइए, तो देखते हैं इनकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे अगर इनकी सबकी सेम वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ये बराबर है। फिर ध्यान से देखना, सबसे पहले मॉड वेक्टर ए की वैल्यू निकालेंगे, तरीका हमने आपको बताया है मॉड वेक्टर ए i का गुणांक 1 का स्क्वायर, 2 का गुणांक 2 का स्क्वायर, 3 का गुणांक क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो ये क्या बनेगा 9 4 13 14 14 इसका आ गया। ठीक उसी टाइप से इसकी अगर हम देखें मॉड बी की, तो बी की वैल्यू क्या है, i का गुणांक 2 का स्क्वायर हो जाएगा, j का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, k का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रहेगा 4 प्लस 1 प्लस 9 14 का भी आएगा। अब उसी का देखें तो i का मान 2 है 2 का स्क्वायर, k का मान 3, 3 का स्क्वायर, k का मान 1, 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 1 मतलब 13 14। हम क्या देख रहे हैं कि मॉड ए की वैल्यू अंडर रूट 14, बी की वैल्यू अंडर रूट 14, सी की वैल्यू अंडर रूट 14, तो इस हम कह सकते हैं इसलिए मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर सी इक्वल टू अंडर रूट 14। फिर उसने कहा है कि इनके मापांक बताइए, तो इनका मापांक जो होगा वो अंडर रूट 14 होगा, इन सभी का मापांक क्या होगा अंडर रूट 14। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।